मात्रा में लोगों के अंदर हानि पहुंची। जब वो हानियां पहुंची तो उसके बाद में एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होकर उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून का पालन पूरी दुनिया करे, कि हर देश के अपने अपने कानून तो है ही, लेकिन ऐसा एक कानून भी हो जिसमें कि आम जनता को कोई पीड़ा ना हो, आम जनता के शोषण ना हो, आम जनता को हनन ना हो। ये सोचते हुए 1945 में एक संस्था बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते, जिसे कुछ लोग यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते। वो संस्था जब बनी 1945 में, तो उन्होंने 3 साल लगाया एक बिल पास करने के लिए, एक कानून पास करने के लिए। उस कानून का नाम है मानवाधिकार। 1948 में वो 10 दिसंबर के दिन स्थापित हुआ, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद वो पब्लिक के लिए आरंभ था, और वो एक ही ऐसा कानून है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार ही का एक ऐसा कानून है जो हमारे देश में भी एक जैसा है, अमेरिका में भी एक जैसा है, लंदन में भी एक जैसा है। आप चाहे किसी भी देश, दुनिया के देश में चले जाओ, हर जगह पे वो कानून एक समान, एक बराबर, एक ही धारा। उसके अंदर 30 धाराएं दी हुई है, और उन 30 धाराओं पे ही हमारा मुख्य पूरा काम करने की जो रचना है हमारी मानवाधिकार पे, वो 30 धाराएं ही। तो उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हैं, आज हम लोग अज्ञान है उस चीज़ के लिए कि हमारे पास, हमको क्यों पता नहीं है कि देश में मानवाधिकार के कानून है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। तो